हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी टेक में। और आपके लिए है जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो है कि जो 2018 में स्मार्टफोन्स में क्या इम्प्रूवमेंट हुई और क्या देखने को मिला, बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्या हुआ इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों 2019 शुरू हो चुका है और यहाँ पर जो 2018 है वहाँ पर बहुत ही इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हमें देखने को मिला इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। जो दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का कॉन्सेप्ट जो हमारे सामने वीवो ने लाया, उन्होंने बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनाया इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का और बहुत ही अच्छे स्मार्टफोन के रूप में देखने को मिला। तो दोस्तों जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है वो उन्होंने एक अल्ट्रासोनिक यूज़ में किया। और सेकेंड जो चीज़ है वो हमें देखने को मिला स्लाइडिंग कैमरा और फुल डिस्प्ले। तो दोस्तों जो स्लाइडिंग कैमरा है बहुत बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन वो ख़राब हो सकता है, ये इसका ड्रॉबैक है। लेकिन दोस्तों काफ़ी टेस्ट करने के ऊपर देखने को मिला कि जो नॉच है वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही इम्प्रूवमेंट चीज़ लाई है वीवो ने। तो दोस्तों 2018 में जो वीवो है वो 2017 के वीवो से बहुत ही अच्छी कंपनी देखने को मिला, बहुत ही अच्छी इनोवेशन लाई। तो दोस्तों इनकी इनोवेशन बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है। तो जो वीवो ने काम किया है 2018 में बहुत ही अच्छा काम किया है। इतना मतलब कि जो प्राइस है वो बनता है इतनी इनोवेशन के लिए। तो दोस्तों जो स्लाइडिंग कैमरा है वो अच्छी चीज़ बात है और जो फुल डिस्प्ले है वो आज की डेट में बहुत ही बड़ी बात हो चुकी है। जो वीवो ओप्पो और जो रियलमी के जो छोटी सी नोच है, जो नोच है इसमें भी जो स्मार्टफोन में दी गई है वो एक मतलब कि बजट रेंज के स्मार्टफोन में छोटी सी नोच, तो दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है ये। तो दोस्तों इसके साथ साथ इन्होंने इतनी अच्छी इनोवेशन की है, जो इनकी चार्जिंग स्पीड है बुक चार्जिंग, सुपर बुक चार्जिंग। तो दोस्तों इतनी स्पीड चार्जिंग देना बहुत ही बड़ी बात है। दोस्तों जो चार्जिंग स्पीड है उसने लगभग वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया है, जो 36 मिनट्स में जो फुल चार्जिंग 0 to 100% चार्जिंग है वो बहुत ही बड़ी बात है। तो दोस्तों जो रियलमी के स्मार्टफोन है हमें इसमें आगे जाके देखने को मिल सकता है सुपर बुक चार्जिंग, क्योंकि दोस्तों ये भी एक ओप्पो के सब ब्रांड के रूप में काम करता है। तो दोस्तों इस तरह से हमें जो बजट रेंज में भी चार्जिंग को देखने को मिल सकती है सुपर बुक चार्जिंग। तो दोस्तों ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात हो जाएगी सुपर बुक चार्जिंग अगर इस लेवल में आई तो। तो दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है आईफोन का जो चीज़ें हैं जैसे कि क्लियर चिन जो आईफोन में है वो भी आई थिंक ओप्पो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि दोस्तों जो इनकी इनोवेशन है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। और अगर 2019 में इस तरह से काम करती रही तो जो सुपर बुक चार्जिंग प्लस बेजल लेस प्लस विदाउट चिन विदाउट नॉच इट्स अ सुपर स्मार्टफोन हैविंग एवर इन हिस्ट्री ऑफ स्मार्टफोन्स। तो दोस्तों इस तरह से स्मार्टफोन का काम करना बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह से जो स्मार्टफोन अगर काम करेंगे तो दोस्तों ओप्पो वीवो भी आज की डेट के जो मास्टर बने हुए हैं स्मार्टफोन्स उनको हरा सकते हैं, जैसे कि दोस्तों इनका ही सब ब्रांड है वन प्लस। तो दोस्तों इनके साथ की कंपनी का वन प्लस भी आज की डेट में काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहा है। और दोस्तों लेकिन वन प्लस में एक प्रॉब्लम हो चुकी है, तो दोस्तों इसके ऊपर मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। दोस्तों अब बात करते हैं आईफोन के बारे में। तो दोस्तों जो आईफोन ने काम किया है वो बहुत ही अच्छा काम किया है आईपैड में, ना कि आईफोन में। तो दोस्तों जो आईपैड में काम किया है वो बहुत ही अच्छा काम किया है। जो डिस्प्ले है उसकी वो बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है, जो उसकी नॉच वगैरह है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है एज़ कम्पेयर टू टैबलेट्स अदर इन मार्केट। दोस्तों जो आईफोन है वो बहुत ही अच्छे से काम कर रही है, आगे जाके देखने को मिल सकता है जो आईपैड में भी अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों जो आईपैड है वो लगभग इंडिया में बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। दोस्तों जो आईपैड का मार्केट इंडिया में बहुत ही कम शेयर है। तो दोस्तों
आईपैड के लिए इंडिया में बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है इतनी बड़ी डिस्प्ले। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहे मेरे चैनल बी टेक में, आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।